प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र के बेराड़ में पत्रकार वार्ता और जनसभा को संबोधित किया, जिसमें कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग का सत्यानाश हो रहा है, प्रदेश के भविष्य चिंता है। मेरा लक्ष्य मुख्यमंत्री बनना नहीं है, मेरा पूरा जीवन मध्यप्रदेश के लिए गया है। शिवराज जी, एक तरफ मंच पर आप खड़े हो जाओ, दूसरी तरफ मैं खड़ा होकर आपको हिसाब देता हूँ। शिवराज, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, मुंबई जाइए और एक्टिंग करिए। शिवराज जी की अभी कुछ दिन पहले ही इन्वेस्टर समिट हुई, वह 6 या 7वीं बार हुई है। मध्यप्रदेश में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, सबका विश्वास उठ गया है। गौवंश का सत्यानाश, कौन सी ऐसी चीज है, मैंने तो कुछ बोली है, जो आज प्रदेश के चित्र मैंने नहीं है। आज के मतदाताओं, मैं पूरा विश्वास करता हूं कि वे अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है, यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, यही नौजवान जिसकी अपनी आज सोच है, एक तड़प है। आज का नौजवान कोई ठेका कमीशन नहीं चाहता है, वह तो व्यवसाय का मौका या रोजगार के मौके चाहता है। शिवराज सिंह जी विकास यात्रा निकाल रहे हैं, 215 दिन भाजपा की सरकार रही, जिसमें से 190 दिन शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, 190 महीने। हमारी सरकार 15 महीने की थी, जिसमें से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। मेरे से वे 15 महीने का हिसाब मांग रहे, और ये विकास यात्रा नहीं, ये तो निकास यात्रा है। आज पूरे शासकीय तंत्र का उपयोग करके, शासकीय पैसों का, साधनों का उपयोग करके ये विकास यात्रा निकाल रहे हैं। अगर जनता उनके साथ होती तो उनको ये शासकीय तंत्र, शासकीय खजाना का उपयोग नहीं करना पड़ता। तो ये आज तरह तरह के नाटक नौटंकी, कुछ दिन पहले इंदौर में इन्वेस्टर मीट करी, ये इनकी 6वीं या 7वीं इन्वेस्टर मीट थी। हमेशा ये घोषणा करते हैं 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ निवेश आएगा, पर जो निवेश है पूरे देश में, उसमें से 30 पैसे मध्य प्रदेश में आता है। ये हालत है, क्योंकि मध्य प्रदेश पर किसी को विश्वास नहीं। ये नाटक नौटंकी से, ये मीट कर लेने से, मीडिया की इवेंट कर लेने से कोई विश्वास नहीं होता। निवेश तब आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास हो। चलिए अब आप शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।